والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ये मिश्कातुल मसाबी की हदीस पाक का दर्स है और बाब चल रहा है बाबुल फिल वसवसा। वसवसा के बारे में ये बयान चल रहा है और इसकी पहली फसल है। ये हदीस पाक हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। काला वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इबलीसा यदउ अरशह अदल माई सुम यबअसु सरायाहु युफ्तिनूना अन्नासा। हुजूर नबी करीम अस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक इबलीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है। वसवसा का बयान चल रहा ना, शैतान जो इंसान को गुमराह करता है, गलत बुरे ख्याल डालता है, उस बारे में हदीस आ रही है उस बाब में। तो मेरे आका फरमाते हर रोज़, जैसे इंसान हम लोग अपनी दुकान लगाते हैं बाज़ार में ना सामान बेचने के लिए, तो इबलीस भी अपनी दुकान हर रोज़ सुबह को लगाता है। कहाँ? समुंदर की सतह पर लगाता है। अल्लाह ने उसको ताकत दी है, वो तख्त बिछाता है, उसका तख्त डूबता नहीं है। कश्तियाँ भी आज बड़े बड़े जहाज़ें पानी पर चलती हैं ना, कहाँ डूबती हैं। तो इसी तरह इबलीस अपना तख्त हर रोज़ लगाता है पानी पर और बिछाता है, और उसके बाद उसके जितने चेले चपाटे होते हैं उसकी इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। फिर हर एक को अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में, बस्ती में, बाजार में, घरों में, सब जगह भेजता जाओ बेचता है। वो फरमाए मेरे आका ने, बेशक इबलीस यदउ अरशह अपना तख्त बिछाता है अदल माए पानी पर, सुम बासु सराया हो, फिर अपना लश्कर भेजता है गाँव में, शहर में, बाजारों में, मार्केटों में, यहाँ भेजता है। युफ्तरून नास किस लिए भेजता है? कि लोगों में फितना डालने के लिए, गुमराह करने के लिए, वसवसा डालने के लिए। इबलीस भेजता है अपने लश्करों को, शैतानों को, जाओ लोगों को गुमराह करो, वसवसा डालो, फितना में मुबतला करो, इस तरह। अब उसके बाद वो इबलीस के लश्कर जाते हैं, दिन भर जो है गुमराह करते लोगों को, किसी को गाली दिलाते हैं, किसी को गुस्सा चढ़वाते हैं, मियाँ बीवी में तलाक करवा देते हैं, नमाजें कज़ा करवा देते हैं, झूठ बोलवाते हैं। ये सब काम होता है उनका, जो इबलीस है और शैतानी काम होता है। ये सब सारा दिन ये करने के बाद शाम को फिर जमा होते वापस, और फिर वो बाजार लगती है इबलीस का। अब इबलीस जो है ना, सबसे कारस्तानियाँ सुनता है कि तुम क्या करके आए हो, तुम क्या करके आए हो। अब मेरे आका फरमाते, फअदना हूँ मिनहुम मंजिलतन अअज़मुहुम फितनतन। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इबलीस के करीब होता है मकाम में, वो होता है जिसका फितना सबसे बड़ा होता है। जिसका फितना सबसे बड़ा होता है, यानी जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करके आता है, तो इबलीस उसके अपने सबसे ज़्यादा उसको अपने करीब कर लेता है। फ़अदनाहु मिन्हु मंज़िलतन, तो सबसे ज़्यादा करीब अपने उस शख्स को करता है, अअज़मुहुम फितनतन, जिसका फितना सबसे बड़ा होता है, यानी जो बहुत बड़ी गुमराही का काम करके आता है, उससे ज़्यादा खुश होता है। अब वो यजीउ अहदुहुम, उनमें से एक आदमी शैतान आता है जो लश्कर उसका गया हुआ था, फयकूलु, वो कहता, फ़ानतु कज़ा व कज़ा, मैंने फला फला काम किया, गुनाह के काम, नाफरमाने के काम लोगों से करवाया। तो फयकूलु मा सनाता शैन, तो इबलीस कहता है कि तूने कुछ नहीं किया, इन उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी, कोई बड़ा काम नहीं किया उसने, तो छोटा छोटा काम किया। तो कहता उसने, तुमने कुछ नहीं किया। काला, रावी कहते हैं, सुम अजीउ अहदुहुम, फिर उनमें से एक और आता है उसके लश्करी में से, जो दिन भर लोगों को गुमराह करने के लिए गए थे। फयकूलु, तो वो आकर कहता है कि मा तरक्तुहु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इमरातिही, तो मैंने फना को नहीं छोड़ा हत्ता कि मैंने उसके और उसके बीबी के दरमियान जुदाई डलवा दिया, यानी तलाक डलवा दिया, तलाक दिलवा दिया।
दोनों में गुस्सा दिलाता रहते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, वो आखिर में तलाक हो जाती है, तो शैतान ही काम है। हुजूर यहाँ खुद फरमाते हैं कि शैतान आकर ये कहता है कि फला फला यानी मर्द और औरत दोनों लड़ रहे थे, तो मैंने उनको छोड़ा नहीं हत्ता कि उनके दरमियान जुदाई डरवा दी, यानी तलाक करवा दी। उसके बाद रावी कहते हैं कि जब इबलीस ये बात सुनता है कि मियाँ बीबी में इसने जुदाई डलवा दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, काला रावी कहते हैं फयुदनी ही मिन हूँ, इबलीस उसको अपने और करीब कर लेता है, यानी उसके काम को सराहा, तुमने बहुत बड़ा काम कर डाला कि मियाँ बीबी में जुदाई डलवाना, ये बहुत बड़ा काम है, चूँकि ये तलाक का मामला है, तलाक का। और इस्लाम ने तलाक को फरमाया कि अब गज़ुल हलाली अत्तलाक, तलाक अगरचे देना जायज़ है, हलाल है, लेकिन सबसे नापसंदीदा चीज़ है, इससे नस्लें बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती है। तलाक की जो नहूसतें हैं ना, ये सब शैतानी अमल दखल। देखो कि शैतान और भी दूसरे काम करके आए होते हैं, उनसे इतना खुश नहीं होता है, क्योंकि जितना फितना, जितना बड़ा फितना जिस शैतान का होता है, उतना ज़्यादा इब्लीस उससे खुश होता है। तो मियाँ बीबी में जुदाई करवा देना ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इतना बड़ा इसने गुनाह किया कि शैतान निकाह के तो उससे खुश होता है, और लोग तलाक को आज मामूली समझते हैं। तलाक मामूली बात नहीं, ये शैतान को खुश करने वाला काम है। तो रावी कहते हैं फयुदनी ही, तो वो शैतान बिन उसको इबलीस अपने करीब कर लेता, वह अकूल उन्हें मानता और कहता हाँ तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कादल आमश उराहूँ काला फयल तजिम हूँ, हजरत आमश रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि हुजूर ने फरमाया था कि फयल तजिम हूँ, यानी इबलीस उस शख्स को अपने सीने से लगा लेता है, इतना खुश होता है जब ये सुनता है कि तुमने जुदाई करवा दी मियाँ बीवी में। इबलीस उस अपने लश्करी से, अपने सिपाही से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसको वह अपने सीने से लगा लेता है। इससे हमें ये हदीस पाक से पता चला कि तलाक जो है ना, ये बहुत मायूब चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, और क्या कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला बस तलाक की नहूसतों से मुसलमानों को बचाए, बहुत बड़ा जुर्म है। और ये भी आज मुसलमानों में बदकिस्मती ये है कि बहुत कसरत के साथ पाई जा रही है, इससे पूरा पूरा घर तबाह हो जाता है, नस्लें तबाह हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद हो जाता है, सुकून गारत हो जाता है, दो खानदानों में लड़ाइयाँ ठन जाती हैं, ये तलाक की नहूसती है। अल्लाह तलाक के शर से मुसलमानों को बचाए। अगली हदीस पाक में हजरत जाबिर इन्हीं से रवायत है, वो कहते हैं कि قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد عيسى من ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينه। हुजूर नबी करीम से फरमाते हैं कि बेशक शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि जजीरे अरब में नमाजी उसकी इबादत करें, लेकिन उन्हें आपस में भड़काने में मशगूल है। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जजीरतुल अरब में शिर्क की जड़ को उखाड़ कर फेंक दिया है, बुतपरस्ती थी, शिर्क का हर तरफ गड़गड़ा था। दौरे जाहिलियत में सरकार तशरीफ लाए थे तो अरब में कितना शिर्क आम था, शिर्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन हुजूर की मेहनत की बरकत से देखें कि सरकार ने शिर्क की जड़ उखाड़ करके फेंक दिया है जजीरे अरब से, और इस तरह शिर्क को वहाँ से नाबूद फरमा दिया कि आका फरमाते अब शैतान भी मायूस हो चुका है कि यहाँ पर शिर्क किया जाएगा, जजीरे अरब में शिर्क किया जाएगा, वो शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है। लेकिन ये बात ज़रूर होगी कि मुसलमान रहेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, शिर्क तो नहीं करवा पाएगा, यानी आम जो अहले अरब हैं वो सब के सब मुशरिक बन जाएं, शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है, लेकिन ये काम करेगा कि आपस में लड़ाइयाँ करवाएगा, झगड़े करवाएगा, फितना फसाद डलवाएगा, और ये हो रहा है, ये हो रहा है अरब में खुल, मतलब उमूमी तौर पर शिर्क नहीं, हुजूर सलाम ने जब से शिर्क की जड़ों को उखाड़ कर फेंका, शिर्क नहीं होता है, लेकिन झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फितने फसाद होते हैं, ख़ानदानी लड़ाइयाँ होती हैं, कबारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो हुजूर ने जिस चीज़ की पेशन गुजियाँ की थी वो बात जो है हो रही है। उसके बाद इस बाब की जो अलफसल सानी है, عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال اني احدث نفسي بالشيء لان اكون حمما احب الي
من أن نتكلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یعنی میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، شیطان ڈالتا وسوسہ، اس کو اپنے زبان پر لانا اتنا ناپسند کرتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں لیکن اپنے زبان پر لانا نہیں چاہتا ہوں. ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگوں کے ذہن میں سے خراب وسوسے آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو انہوں نے آ کر، وہ صحابی نے کہا کہ حضور میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں، ایسے برے وسوسے آتے ہیں، اس کو زبان پر لانا سے بہتر یہ ہے کہ میں جل جاؤں لیکن مطلب زبان پر لانا نہیں چاہتا ہوں. حضور نے جب یہ بات سنی تو قالا، آقا نے فرمایا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، الذی رد امرہ الوسوسہ، جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا ہے. یعنی وسوسہ پر چونکہ پکڑ نہیں ہے، جو خیالات مطلب بلا اختیار ذہن میں آتے ہیں اور بندہ اس کو نہ کرے، اس کو زبان پر نہ لائے، تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں چلو اللہ کا شکر ہے تمہارے دل میں خیال آ رہے ہیں، اس کو اللہ نے وسوسہ کی طرف پھیر دیا ہے، ورنہ اس پر اگر پکڑ ہوتی تم پر عذاب ہوتا. یہ کہنے کا مطلب ہے وسوسہ کی طرف اس کو پھیر دیا ہے، مطلب یہ کہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جو بلا اختیار ذہن میں خیالات آتے ہیں ان خیالات پر کوئی پکڑ نہیں. اور صحابہ کرام کے ایمان کا بھی تو حال دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں، مطلب ان کے دل میں اللہ کی خشیت کیسی تھی کہ ان کے دل میں ایسے برے برے وسوسے آتے، خیالات آتے تھے، تو وہ اتنا اس کو برا سمجھا کرتے تھے کہ اپنی زبان پر بھی لانا گوارا نہیں کرتے تھے، جو جائے کوئی ایسا کام کرتے. جب بولنا اس کو گوارا نہیں کرتے تو ایسا کام کرنا کہاں سے وہ گوارا کر سکتے تھے. تو لہٰذا میرے عزیزوں، آج وقت بھی پورا ہو گیا، آج کا درس بس یہیں تک ہے. انشاءاللہ زندگی رہے تو آئندہ پھر ہم انشاءاللہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ بس ہمیں قرآن کی اور حدیث کی فیضان سے مستفیض اور روشن فرمائے.